Subscribe and click the bell icon for all the television updates. इस रात की तन्हाइयों के सब रंग बदल गए हैं। चांद तो है वैसे ही, पर अंधेरे बदल गए हैं। जिनके भरोसे थी खुशियां, वो बादल ठहर गए हैं। मंजिलें तो अब भी वही है, कुछ रास्ते बदल गए हैं। वो एक्टर्स जिन्हें ऑन स्क्रीन रोज दर्शकों ने देखा, जिन्हें ऑडियंस ने दिया बेशुमार प्यार, वो बदल गए हैं। आखिर कहाँ गए वो एक्टर्स? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कहाँ गए वो लोग। वेल, कौन है आज का हमारा सेलेब जिनकी कहानी टेली मसाला लेकर आया है? ही थिंक्स ही इज एज कूल एंड हाई एज अ स्काई, एंड ही गेसेस ही इज नन अदर देन स्काई, जिन्हें आप आकाशदीप सहगल के नाम से जानते हो। आकाश ने अपने करियर की शुरुआत की एज अ मॉडल। ग्लैड रैग्स मैनहंट कंटेस्टेंट के विनर बनने के बाद 1998 में उन्होंने सुपर मॉडल का खिताब जीता। मॉडलिंग के बाद कुछ म्यूजिक वीडियोस में अपने टैलेंट को शोकेस किया आकाश ने। वहीं 1999 में उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म प्यार में कभी कभी। आकाश को भले ही बड़े पर्दे का डेब्यू मिला, पर कमी थी तो सिर्फ फेम की, जो उनको मिली उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट से, जो की थी छोटे पर्दे पर। टेलीविजन के बैड बॉय स्काई यानी कि आकाश ने छोटे पर्दे पर डेब्यू किया एकता कपूर की सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एज अंश। तुलसी वीरानी के बेटे का किरदार निभाया आकाश ने, और फिर अंश के नाम से वीरानी परिवार में भूचाल मचाने वाले आकाश बन गए टेलीविजन के विलन। घर घर में छा गए आकाश एज अंश। वीरानी परिवार के ये चिराग सीरियल की दुनिया के खलनायक बन गए। इस शो के बाद प्रोड्यूसर्स के चहीते बन गए आकाश। फियर फैक्टर इंडिया, झलक दिखला जा, कॉमेडी सर्कस 2 जैसे कुछ रियलिटी शोज और डेली सोप से आकाश ने चखा फेम। इन सभी शोज के बाद आकाश दिखे बिग बॉस सीजन 5 में, जिसमें ऑडियंस को देखने को मिला उनका असली रूप। वेल, टेलीविजन के इस कंट्रोवर्शियल शो के इस सीजन में भी कंट्रोवर्सीज की बौछार हुई। आकाश के एटीट्यूड से हुआ घर वालों को प्रॉब्लम। पूजा मिश्रा और महक चहल संग आकाश की फाइट्स अब भी फैंस को याद होगी। बिग बॉस के घर से बार बार निकलने की धमकी दिया करते थे आकाश। उनका उस घर में गुजारा मुश्किल हो रहा था। वेल, आकाश को ना सिर्फ घर वालों से बल्कि शो के कर्ता धर्ता यानी होस्ट सलमान खान के साथ भी प्रॉब्लम था। आकाश जिनको स्काई के नाम से जानते थे, उनका एटीट्यूड और तौर तरीका सलमान को पसंद नहीं आ रहा था बिग बॉस हाउस में, जिसकी वजह से स्काई को लगा कि सलमान उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बात यही नहीं रुकी, स्काई ने एक बार वॉक ऑफ भी कर दिया था जब सलमान उनसे बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सलमान के फेवरेट कंटेस्टेंट की लिस्ट से हमेशा के लिए स्काई हो गए आउट। बिग बॉस के बाद भी उनकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आकाश को लगा सलमान ने उनका करियर खत्म कर दिया। सोर्सेस की माने तो सलमान हैड हायर्ड एन एंटायर पीआर टीम डेडिकेटेड टुवर्ड्स मेकिंग श्योर हिज करियर नेवर टेक्स ऑफ। ही हैड अ मेजर फाइट विद सलमान व्हेन ही अपीयर्ड एज अ कंटेस्टेंट ऑन द 5th सीजन ऑफ बिग बॉस। आकाशदीप हैड अक्यूज्ड सलमान देन ऑफ हिटिंग हिम एंड कॉजिंग इमोशनल हर्ट। वैसे सलमान जाने जाते हैं लोगों के करियर्स बनाने के लिए। अरमान कोहली, बॉबी देओल, कटरीना कैफ, पुलकित सम्राट के करियर्स के गॉडफादर है सलमान। पर आकाशदीप का ये इल्जाम, वैसे बिग बॉस के बाद उनकी एक तमिल फिल्म के प्रमोशन में जब उनसे पूछा गया तो ये था उनका जवाब, टोटली, बट आई डोंट नो इफ ही हैज, आई नेवर हायर्ड एनी पीआर टू डिस्ट्रॉय अ करियर, आई डोंट हैव अ पेटी माइंड, आई डोंट टेक 10 पीपल अलोंग विद मी टू मेक मायसेल्फ सीम मोर पावरफुल। वैसे बिग बॉस के बाद आकाश ऑन स्क्रीन कम, खबरों में ज्यादा रहे। बिग बॉस के घर से बाहर आकर एक रिक्शा वाले के साथ हाथापाई करने के लिए उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई। सोर्सेस की माने तो द पुलिस हैव रजिस्टर्ड 2 FIRs, वन अगेंस्ट सेगल एंड द अदर अगेंस्ट द 2 ड्राइवर्स। ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग एन आर्ग्यूमेंट टुक प्लेस बिटवीन द मॉडल एंड द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ओवर द रोड बीइंग वन वे। प्राइमा फेसी वी हैव बीन टोल्ड दैट सेगल एंड 2 मोर पीपल स्टार्टेड हिटिंग द ड्राइवर्स विद बैम्बू स्टिक्स। द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द एरिया अर्ली हैड अ टिफ विद हिम। वेल, अपने इस एंग्री यंग मैन एटीट्यूड के साथ ही रोमांटिक लिंकअप्स की वजह से आकाश रहे न्यूज। कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान को 2 साल डेट करने के बाद आकाश थे इन रिलेशनशिप विद शहजान पदमसी फॉर 3 इयर्स। इनके अलावा आशका गुराडिया और मधु सापरे के साथ डेटिंग की खबरें भी सामने आई। इसके बाद बिग बॉस के घर में आकाश की मुलाकात हुई पूजा बेदी से। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ पार्टीज और हॉलीडेज पर दिखाई देने लगे, और फिर डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स फॉर द कपल, जिसकी वजह से आकाश और पूजा का हो गया ब्रेकअप। अपने इस रिलेशनशिप के बारे में पूजा ने एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में कहा, आई शेयर गुड फ्रेंडशिप विद ऑल माई एक्स बॉयफ्रेंड्स,
Akash is a gentleman and a nice human being. And we were together at the party because of the friendship we share. There is nothing more than that. उनकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने कर लिया है मूव ऑन, अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। सडनली 2011 के बिग बॉस 5 के बाद आकाशदीप हो गए गायब, विलन ही सही, दर्शक उन्हें मिस करते हैं ऑन स्क्रीन। आखिर कहां गए आकाश? फिल्म्स, रियलिटी शोज, डेली सोप्स में अपने टैलेंट को शोकेस करने वाले आकाश ने अचानक कह दिया अलविदा। आखिर क्या प्लान्स हैं उनके? क्या आकाश फिर अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? वी होप टू सी हिम सून ऑन स्क्रीन, फिर चाहे बड़ा पर्दा हो या छोटा।